बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच में रखवा दिया। वहीं वो पास के एक बड़े से झाड़ी में छुप गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो पत्थर रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा। उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा पर सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी एक किसान सब्जियों का भार लेकर आया। पत्थर के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पस पड़ा था, जहां पत्थर पड़ा था। पस में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से पत्थर को हटाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं, दूसरे अपना कर्तव्य समझ के रास्ते में आने वाले हर बाधा को दूर करते हैं।